एक बार इसी ब्रज में नंद बाबा आदि गोप लोग बहुत पूजा की तैयारी कर रहे थे। उस समय इंद्र की पूजा होती थी, तो वे लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण उस समय 7 वर्ष के थे, वे बलराम जी के साथ नंद बाबा आदि गोपों से पूछने लगे, पिताजी ये क्या उत्सव होने जा रहा है? तो नंद बाबा ने कहा कि बेटा, हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, उसी की तैयारी चल रही है। कुछ गोपों ने कहा, ये क्या 7 वर्ष का लड़का पूछ रहा है, इसको हटाइए। तब नंद बाबा ने कहा कि नहीं, ये कुछ सुनेगा उसको सुनने दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ पिताजी कि आपके बाद हम भी करेंगे ना, इसको जान लेंगे कि क्या विधि है, तो इसको स्वयं करेंगे। आज तो हम छोटे हैं 7 वर्ष के, लेकिन बड़ा हो जाएंगे तो आपके बदले हम करेंगे ना पूजा। वास्तविक बात थी कि भगवान इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते थे, तो भगवान ने कहा कि पिताजी हमको समझ में नहीं आता है कि इंद्र क्या करता है, आप लोग इतना भोग लगाते हैं, कभी खाने के लिए आया है वो? बोलिए, कभी खाने के लिए आया है? नहीं, कि खाने के लिए नहीं आया, तब समझ लीजिए वो हम लोगों को अछूत समझता है, वो अपने में अभिमान करता है कि मैं देवता हूँ और मनुष्यों का, मनुष्यों में भी गोपों का दिया हुआ मैं कैसे खाऊंगा, इसीलिए वो नहीं खाता है। इसलिए हमारे राय से ही उचित है कि उसकी पूजा नहीं की जाए। पूजा करनी है तो कीजिए गिरिराज गोवर्धन की, ब्राह्मणों की, गौओं की पूजा कीजिए। तब नंद बाबा आदि गोपों ने स्वीकार कर लिया इंद्र की पूजा के बदले। गोवर्धन की पूजा की है, बहुत पकवान बनाए गए, अनेक प्रकार के पकवान। और स्वयं कृष्ण चतुर्भुज रूप में गिरिराज के ऊपर बैठ गए, 4 भुजा थी, और गोपियों के साथ गोपों के साथ वे प्रणाम भी किए, अपने से अपने को प्रणाम किए, गिरिराज जी को प्रणाम किए, स्वयं कृष्ण, कृष्ण गिरिराज भी बने हुए थे और प्रणाम भी किए। इंद्र को पता लगा रहे थे कि हमारी इस साल पूजा नहीं हो रही है। दूतों ने उनको बताया कि आपकी पूजा नहीं होगी। बहुत उत्साह से गोप लोग कृष्ण के कहने से पूजा कर रहे हैं, वे पहाड़ की पूजा करेंगे। बताइए क्या इन गोपों का अहंकार है, पर्वत की पूजा करें और देवता की नहीं? इंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं अरावत पर चढ़कर पीछे से चलूँगा। और भारी वर्षा करके इस ब्रज को नष्ट कर दूंगा।
गोपों के पास थोड़ा सा धन है, इसी से इनका अभिमान बढ़ गया है और गौएं ही इनका धन है। तो ऐसी वर्षा करूंगा कि गौएं सब नष्ट हो जाए, गोप सब नष्ट हो जाए, सारा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। इसके लिए इंद्र आज्ञा दे दिए, सांवर्तक मेघों को आज्ञा दिए और स्वयं ऐरावत पर चढ़कर आए। तो बहुत वर्षा होने लगी, बहुत जोर की आंधी और बवंडर लगने उठने लगे, बहुत जोर की वर्षा हो। तो उस वर्षा से, विकराल वर्षा से घबरा करके नंद बाबा आदि गोप सब डूबने लगे पानी में, पूरा ब्रजमंडल में पानी भर गया। वे लोग अपने बच्चों को छिपा करके अपने गोद में और गौएं अपने बच्चों को छिपा करके लोग वर्षा को सहे। भगवान कृष्ण से फिर कहने लगे, कृष्ण हम तुम्हारे कहने से इंद्र की पूजा नहीं किए, अब तुम ही हम लोगों की रक्षा करो। तो भगवान ने कहा, आप लोग डरिए मत, मैं कर दूंगा उपाय। कुछ गोप लोग कानाफूसी कर रहे थे कि हम कह रहे थे कि ये इंद्र की पूजा करो, लेकिन ये नहीं किए, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की पूजा किए और उसका फल भोगो। भगवान ने कह दिया कि मैं ब्रज का रक्षक हूँ, मैं रक्षा का उपाय कर लूँगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। इतना कह करके भगवान गोवर्धन पर्वत को उठा लिए अपने बाएँ भांग के बाएँ हाथ से इस उंगली पर, सबसे छोटी उंगली पर, और 7 दिन 7 रात उसको धारण किए। भगवान में अद्भुत बल है, वे सारे जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। साधारण पर्वत को धारण करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। तो इंद्र 7 दिन वर्षा करते रहे, मूसलाधार पानी, बहुत जोर की वर्षा हो रही थी। वे चाहते थे कि इस लड़के के हाथ से गिरा दूँ पर्वत, और इसके नीचे जो भी गोप हैं, गोपियाँ हैं, वे सब मर जाएँ, गौएँ आदि मर जाए, कोई धन न रहे। इसलिए वो वर्षा करते रहे, लेकिन भगवान रक्षा कर रहे थे गोवर्धन धारण करके। एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम, उसी दिन से उनका नाम गिरधारी पड़ा। ये भगवान की छोटी सी लीला मैं कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया कि 2 मिनट में बोलना है, इसीलिए मैं अति संक्षेप में इस लीला को कहा। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। ये भागवत विद्यालय है, भागवत पढ़ना चाहिए, और जितना भी धन कमाएगा व्यक्ति सब इसी जन्म में थोड़ा काम आता है, लेकिन विद्या इस लोक में और दूसरे जन्म में भी काम आती है। जो भी पढ़ाई करेंगे और खास करके श्रीमद् भागवतम, तो इस जन्म में भी काम आएगा, दूसरे जन्म में भी काम आएगा। यह बहुत अच्छा काम है भागवत पढ़ाना और पढ़ना। सबको धन्यवाद है जो इस विद्यालय को चला रहे हैं, जो चलाएंगे,
और इसमें जो भी खर्च होता है दान देने वाले भी धन्यवाद के पात्र हैं. हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद.